आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2022 का दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 + cos इनवर्स 12/13 = क्या बनेगा। cos इनवर्स 35/65। तो देखना है यहां से सिद्ध करने वाले में क्या करना रहता है। एक साइड को लेना रहता है और दूसरे साइड को लाना रहता है। जैसे ये वाला साइड क्या है, l h s, और ये वाला साइड क्या है, r h s। इतना हो गया। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर क्या लाएंगे, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसका फार्मूला जानो, क्या होता है फार्मूला इसका। देखो cos इनवर्स ये x है प्लस cos इनवर्स ये क्या है, y। तो इसका फार्मूला होता है, चूंकि cos इनवर्स x + cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स xy - करनी में 1 - x² और करनी में 1 - y² ये फार्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन को बनाना। तो सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर दिया है करके लिखना, दिया है LHS, LHS बराबर क्या है उसको लिखना, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखना है, बराबर करना है। ये फॉर्मूला हो गया, इसे मान रखना है। x की जगह में क्या है 4/5, y की जगह में क्या है 12/13, x की जगह में क्या है 4/5, y की जगह में क्या है 12/13। यहां से इसके बाद देखना cos इनवर्स कोष्ठक लगाना, एक फॉर्मूला मान रखेंगे, x की जगह में क्या लिखना है 4/5 गुणा, y की जगह में क्या लिखना है 12/13, बीच में क्या है माइनस, फिर करनी लगा दो 1 - x की जगह में क्या है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, फिर करनी लगाओ क्या है 1 - y, y का वर्ग क्या है 12/13, 12 क्या हो जाएगा 13, पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक आया समझ में, अब याद रखना है यहां से cos इनवर्स क्या हो जाएगा, यहां से 12 और 4 का गुणा करो क्योंकि गुणा रहता है तो आपने साथ में गुणा होता है, 12 * 48 क्या होगा 48, नीचे भी 13 * 65 कितना होगा 65, माइनस क्या हो जाएगा करनी, यहां से देखना 1 - 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, करनी अब देखना 1 - 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। इतना हुआ। इसके बाद देखना अगला क्या हो जाएगा, यहां से बराबर करके लिखना है, हमसे बराबर cos इनवर्स कोष्ठक लगाना, फिर देखना 48/65, बीच में क्या है माइनस, उसके बाद करके देखना यहां से तिर्यक गुणा होगा, ऐसे यहां से तिर्यक गुणा करेंगे 25 * 25 क्या हो जाएगा 25 * 25, बीच में क्या है माइनस, 16 * 16, यहां से नीचे देखना 25 * 1 से होगा 25 * 25 ये हुआ, फिर करनी लगाना, फिर यहां से तिर्यक गुणा होगा, इस पर तिर्यक गुणा करना है 169 * 169, माइनस है बीच में 144 को लिखो, 144 * 144 नीचे भी क्या आ जाएगा 169। यहां तक आया होगा समझ में, ठीक है। अब यहां से लिखते हैं cos इनवर्स करनी है कोष्ठक लगाना 48/65, बीच में क्या है माइनस, अब वहां से 25 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 बटे में क्या आ जाएगा 25, फिर यहां से कर 169 * 144 बचाओ क्या आ जाएगा, देखना 9 * 4 = 5 क्या आ गया, 9 * 4 = 5, अब 16 में 14 कितना आएगा 2, देखते हैं ये नीचे में क्या हो जाएगा 169 ये क्वेश्चन। अब यहां से देखना क्या हो जाएगा cos इनवर्स 48/65, बीच में क्या है माइनस, अब बताना 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 * 9 यहां से आ जाएगा 3, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 * 25 = 5 गुणा 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, नीचे में इसका क्या हो जाएगा 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, यहां तक आया समझ में। इसके बाद क्या करना है देखना, cos इनवर्स 48/65 माइनस 5 * 15, उसके बाद नीचे में उसका गुणा करना है 13 * 5 क्या हो जाएगा 65, 13 * 5 65, आधार समान है मतलब हर समान है, हर समान रहेगा तो
एक बार लिख सकते हैं, हर समान है सकता है एक बार लिखा जा सकता है। तो cos इनवर्स के 48 माइनस कितना हो जाएगा 15, और नीचे 65 दो बार है तो एक बार लिख सकते हैं ये 65। इतना दूर तक आया समझ में? फिर यहां से हो जाएगा cos इनवर्स 48 में से 15 घटाओ 8 में से 5 गया 3, और 4 में से गया 3, नीचे क्या आ जाएगा 65। देखो ये LHS RHS RHS cos इनवर्स 65 बटा 65, तो यहां लिखना है LHS बराबर RHS। प्रूव दैट ठीक है। अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, फिर सब समझ में आ जाएगा।